करते हैं ना, तो आप उस एक साल में आता है, एक साल में कम आता है, तो ये हर साल आता है। 450 ग्राम का फल होता है, पर पकने के बाद 20 दिन तक खराब नहीं होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये मेन वेराइटी है। उसमें फ्रूट फ्लाई आती है, तो वो भी इसमें नहीं आती है उस फ्रूट पर। तो यूनिवर्सिटी नवसारी में ऐसा रिसर्च किया है कि ये लगाने के लिए बहुत अच्छी किस्म है, एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छी है। और कौन सी वैरायटी है ये? हाँ, सोनपरी वैरायटी। सोनपरी, सोनपरी। इसको किसके साथ क्लब किया आपने? केसर और केसर नहीं, हापुस और बनेसान और हापुस का क्रॉस। बनेसान? हाँ, बनेसान कौन सा? बेगमपल्ली हैदराबाद। हैदराबाद का है ना बेगमपल्ली। तो हापुस को और बेगमपल्ली को क्रॉस करके आपने सोनपरी बनाया है। ये 450 ग्राम का नग बनता है। हाँ, और ओरिजिनल हापुस जैसा लगता है। और अच्छा, दिखने में ऐसा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो जो नीचे का मदर प्लांट है उसका गुटली है, वो हापुस की? वो हापुस की नहीं है। हाँ, गुटली नहीं, वो क्रॉस करने वाले तो साइंटिस्ट होता है, वो उसके क्रॉस करके हमको ये वैरायटी दिया है। ओके, बराबर। वो तो वो नीचे वाला ज्यादा करके देसी पौधे का लगाते हैं। हाँ, ज्यादा करके। तो यहाँ ये भी सब लगाया है हमने, ये डेटा भी लगाया है। क्रॉप वेराइटी केसर मैंगो, ये सीड इसका है, ये सब कभी लगाया है। तो 10-12 21 को अभी दिसंबर में लगाया है। किसने लगाया है वो हमारा, वो कौन ग्राफ्टर है, वो बैग की साइज कौन सी, ये इसमें कितना है, ये सब दिया है।